नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। पहली मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल नहीं होंगे मंत्री विक्रमादित्य सिंह, जानिए वजह। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के युवा कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह 13 जनवरी को प्रस्तावित पहली मंत्रिमंडल बैठक में शामिल नहीं होंगे। विक्रमादित्य सिंह ने खुद ये जानकारी देते हुए कहा कि वह नई दिल्ली में हैं और 13 जनवरी को पारिवारिक विवाह समारोह के लिए जयपुर राजस्थान जा रहे हैं, इसीलिए 13 जनवरी को शिमला में होने वाली कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हो सकेंगे। चंबा और शिमला जिले में सड़क हादसे, दो की मौत, तीन घायल। हिमाचल प्रदेश के चंबा और शिमला जिले में दो अलग अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई है जबकि तीन घायल हो गए हैं। भरमौर पठानकोट हाईवे पर हठोटा में ऑल्टो कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में पूर्व सैनिक की मौत हो गई है जबकि एक घायल हो गया है। मृतक की पहचान सुरेंद्र कुमार पुत्र टेकचंद गाँव हठोटा तहसील व जिला चंबा के रूप में हुई है। बुधवार देर रात घर जाते वक्त यह हादसा हुआ। वाहन गिरने से आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, पुलिस से मदद कर घायलों को खाई से बाहर निकाल अस्पताल पहुंचाया। हिमाचल बर्फबारी से 182 सड़कें, 163 बिजली ट्रांसफार्मर ठप, तीन जिलों में हिमस्खलन का खतरा। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच बुधवार रात को ही बर्फबारी से अटल टनल, रोहतांग, मनाली, लेह राष्ट्रीय राजमार्ग समेत करीब 182 सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। 163 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप पड़े हैं। बुधवार रात को लाहौल व कुल्लू की ऊंची चोटियों पर हिमपात जबकि निचले क्षेत्र में बारिश हुई। बारिश के बाद किसानों व बागवानों ने राहत की सांस ली है। वहीं मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 5 बर्फबारी के चलते सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। मुख्यमंत्री स्वावलंबी योजना, ई वाहन खरीद सकते हैं बेरोजगार युवा, 1 करोड़ तक ऋण देगी हिमाचल सरकार। हिमाचल के बेरोजगारों को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार हर साल 500 बेरोजगारों को ई व्हीकल खरीदने के लिए ऋण देगी। राज्य सरकार अब मुख्यमंत्री स्वावलंबी योजना में इलेक्ट्रिकल वाणिज्य वाहनों की खरीद के लिए 1 करोड़ तक के ऋण लाभार्थियों को देगी। अभी तक ऐसे डीजल वाहनों की खरीद के लिए सरकार स्वावलंबी योजना में 60 लाख रुपए का लोन देती रही है। मंत्रिमंडल की बैठक में तय होगा चुनाव से पहले खुले 386 शिक्षण संस्थानों का भविष्य। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले खुले 386 शिक्षण संस्थानों का भविष्य मंत्रिमंडल की बैठक में तय होगा। अप्रैल से अक्टूबर 2022 तक भाजपा सरकार ने सैकड़ों नए स्कूल खोले और कई को सत्रोंत किया है। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही भाजपा राज में खुले कई कार्यालयों और संस्थानों को डी नोटिफाई कर दिया है। शिक्षण संस्थानों को बंद करने के लिए सरकार ने जल्दबाजी नहीं दिखाई। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद इस संदर्भ में नीतिगत फैसला लेने की बात कही थी। शिमला म्यूचुअल फंड के नाम पर खाताधारकों से 3.89 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी, बैंक कर्मी ने अपने खाते में डाली रकम। राजधानी शिमला में बैंक निवेश के नाम पर खाताधारकों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी हुई है। बैंक के ही कर्मचारी पर 3.89 करोड़ रुपए धोखाधड़ी का आरोप लगा है। आईसीआईसीआई बैंक शाखा प्रबंधक सुमित डोगरा की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 10वीं और 12वीं की टर्म 2 की परीक्षाओं की तिथियां बदलेगा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च में होने वाली 10वीं व 12वीं की कक्षा की टर्म 2 परीक्षाओं में बदलाव करने जा रहा है। ये बदलाव शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रस्तावित डेट शीट पर अभिभावकों और शिक्षकों से मांगी गई आपत्तियों और सुझावों के बाद किया जा रहा है। शिक्षा बोर्ड जल्द ही परीक्षा की फाइनल तिथियों का शेड्यूल जारी करेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पिछले सप्ताह टर्म 2 की परीक्षाओं प्रस्तावित शेड्यूल जारी किया था। हिमाचल मंडी के द्रंग में मकानों में लगी भीषण आग, अग्निकांड में घरों का सारा सामान जला, बेघर हुए परिवार। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के द्रंग इलाके की दुर्गम चौहार घाटी में देर रात भीषण आग लग गई। इस आगजनी की घटना में दो परिवार बेघर हो गए हैं। दोनों परिवारों के पास तन पर पहने कपड़ों के सिवाय कुछ नहीं बचा। सुधार पंचायत के घगटियाण गाँव में बुधवार रात करीब 10:30 बजे ये अग्निकांड हुआ है। घटना के वक्त दोनों परिवारों के सभी सदस्य सो रहे थे। घटना की सूचना मिलने पर पधर पुलिस और उपमंडल प्रशासन की टीम मौके पर रवाना हुई। पंचायत प्रधान निशा ठाकुर ने कहा कि देर रात करीब 12 बजे उन्हें घगटियाण गांव में आग लगने की सूचना मिली, जहां दो भाइयों रूपलाल और प्रेम सिंह के 8 मकानों का कमरा, रसोई घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया है।